Hey friends, this is Kedar Pandey here. I welcome you all to the YouTube channel Tutorico. ये name streak में का third and last part है. इसमें हम लोग देखेंगे relative and absolute references का कैसे use होता है names में, dynamic range creation and how we can store data in names. How we can store table data in names. तो चलो शुरुआत करते हैं. ये सेल्स डेटा है जो कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में यूज़ किया था. नॉर्मली हम लोग जब कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसको कॉपी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों के रेंज भी चेंज हो जाते हैं. बट इफ आई क्रिएट वी क्रिएट रेंजेस name range and it is to be created from top and left column. Names create ho gaye rahenge. Okay, so now you can see this as total. If I go ahead with sum and I select Q1, so it will give me the same results. But if I copy the range or copy the formula containing name, the results do not change and it again refers to the original range. For this purpose, we can use relative references. Now, what is absolute reference and relative reference? Whenever we write it as, whenever we select a cell, this refers to relative cell. So if we change or copy the formula, it changes. But if we press F4 or isko agar constant kar dete hain, isko bula jata hai absolute cell reference. Column absolute hai और रो भी एब्सोल्यूट. इसके चार तीन वेरिएशंस हैं. अभी कॉलम रिलेटिव है, रो इज एब्सोल्यूट, कॉलम एब्सोल्यूट, रो रिलेटिव एंड बोथ कॉलम एंड रो आर रिलेटिव यूजिंग रिलेटिव रेफरेंसेस. सो ये कांस्टेंट कर दिया, दैट मींस यू आर यूजिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसेस. अगर आप इसको कॉपी करेंगे कहीं पे भी, स्टिल इट विल रेफर टू द original cell. This is called as absolute reference. अब हम लोग देखेंगे names manager में इसको कैसे किया जाए. Delete करेंगे उसको. This refers to this range. हम लोग will press F4 और ये जो बचा हुआ है को डिलीट कर देंगे. राइट, इट इज C5 to C8. क्लिक ओके, क्लिक क्लोज. ठीक है, आपने यहां पर ये चेंज हो गया है. Q1 दिख रहा है यहां पे, फिर भी रेंज देखिए. यहां पर कॉपी करेंगे तो इट इज एब्सोल्यूट. नाउ फॉर द टाइमिंग डिलीट करके मैं फिर से दिखा रहा हूँ. सम Q1 और अगर आप कॉपी करोगे उसको तो फॉर्मूला रिजल्ट आपका चेंज होता है. ऑलराइट, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिक, डायनामिक रेंज क्रिएशन. सी, ये कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, उनके टोटल मार्क्स है. रैंडम बिटवीन का फंक्शन यूज़ किया है मैंने और इफ फंक्शन यूज़ किया है. अगर 50 से ज़्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल. ओके, समटाइम्स क्या होता है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स का डेटा ये लिया हुआ है. स्टूडेंट्स का डेटा लेने के बाद यहाँ पर उसका रेंज क्रिएट किया,
डेटा वैलिडिटी यूज करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स क्रिएट किया हम लोगों ने। अब अगर ये यहाँ पर मैं नया नाम ऐड करूँ तो नॉर्मली ये इधर नहीं आता है, बट इट इज शोइंग देयर। तो यही देखेंगे हम लोग कि ये कैसे किया जाता है, राइट? ठीक है, ना सी मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से नाम रिमूव हो गया है। देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को ऑफसेट फंक्शन देखना पड़ेगा। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट इज नॉर्मली यूज टू क्रिएट डायनामिक रेंजेस। बी4 ये जो रेफरेंस दिया है हम लोगों ने, ये बेस है, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, और उसको अगर चेंज करना है तो ये रोज एंड कॉलम्स हैं, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक ही सेल रहेगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। नाउ द हाइट इज, मैं विल यूज काउंट ए, लेट्स से मैं 15 कॉलम्स ले लेता हूँ। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। चूज टू क्लोज ब्रैकेट, राइट? ये फॉर्मूला है जहाँ से हम लोग डायनामिक रेंज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी कर लीजिए। फॉर्मूला कॉपी किया, फाइंड नेम्स स्टूडेंट्स, केयरफुली ये नेम रेंज डिलीट की, बेस स्पेशल किया, और यहाँ पर इसको कांस्टेंट कर दिया, या वी कैन से अभी हम लोगों ने सीखा है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस कर दिया। ओके, नाउ गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट क्रिएशन। नॉर्मली हम लोग ये रेंज सिलेक्ट करके भी लिस्ट डाल सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं होंगे। एडिशन अगर हुआ तो वो काम नहीं करेगा। हम लोग मैन्युअली लिख भी सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें एडिशन डिलीशन अगर होता है तो काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स नाम से किया है, ओके कर दिया। देखिए लिस्ट पूरी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर नया नाम ऐड होता है, इट विल बी डेफिनेटली देयर। इफ वी डिलीट एनी ऑफ द नेम, सुना देयर आर ओनली सिक्स नेम्स, ओनली सिक्स नेम्स। दिस इज हाउ वी कैन यूज नेम्स मैनेजर एंड ऑफसेट फंक्शन टू क्रिएट डायनामिक रेंज। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिक, स्टोर टेबल इन मेमरी। ऐसी इधर छोटा सा डेटा लिया हुआ है क्वांटिटी, तो अब अगर मुझे वी लुकअप लगाना है तो आई सर्च दिस इन दिस टेबल एरे, सेकेंड कॉलम आई नीड द रिजल्ट फॉर सेकेंड कॉलम एंड आई नीड टू मैच एग्जैक्ट। सो जीरो पुट अप कर दिया मैंने एंड वो 55 आ चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा स्टोर नहीं करना है। अब अगर ये डेटा शो नहीं करना है, अगर डिलीट करूँ तो इधर एरर आ जाएगा, बट सी इन दिस केस देयर इज नो एरर एज सच। ओके, ये जो डेटा है मैंने नेम मैनेजर यूज करके वहाँ पर स्टोर करके रखा। अब नेम मैनेजर में डेटा स्टोर कैसे करें, विल सी द नेम मैनेजर, गो टू सेल्स 1 एंड एडिट। सी नो फॉर्मूला रेफरेंस इज गिवन, ऑल द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन नेम। जब हम लोगों को ये डेटा स्टोर करना होता है लेकिन फॉर्मूला बेसिस पे लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। नॉर्थ बीइंग द टेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, कॉमा देके 55 दिया। व्हेन वी पुट कॉमा इट रेफर्स टू एज कॉलम, सो दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। वी गिव सेमी कॉलम टू गो टू नेक्स्ट रो, दिस इज अगेन कॉलम 1, कॉलम 2, अगेन सेमी कॉलम एंड सो ऑन, राइट?
इसको ओके कर दिया एंड द सेम रेंज इज बीइंग यूज्ड इन, सेम नेम इज बीइंग यूज्ड इन, तो कहीं पर भी रेफरेंस दिया हुआ नहीं, इस टेबल का रेफरेंस दिया हुआ नहीं है कहीं पर। एंड ये टेबल अगर डिलीट भी हो जाता है, एरर यहाँ आएगा, रीजन इस टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है, बट हियर द डेटा इज स्टोर्ड इन द नेम मैनेजर इटसेल्फ। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, दैट्स फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंजॉय योर डे एंड डू लाइक द वीडियो। केदार पांडे साइनिंग ऑफ।